नमस्कार, स्टोरी ऑफ रेसिपी डॉट कॉम में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मुरमुरे के लड्डू, जिनके लिए हमने 300 ग्राम मुरमुरे लिए हैं, सिलाई भी कहते हैं, 300 ग्राम गुड़। लड्डू बनाने के लिए लाई और गुड़ दोनों बराबर होने चाहिए। अब हम लड्डू बनाना शुरू करते हैं। लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हम चाशनी बनाएंगे। कढ़ाई गर्म हो गई है, अब इसमें हम गुड़ डालेंगे। दो चम्मच पानी डाल देंगे। अब गुड़ को धीमी आंच पर पिघलने देंगे। ये देखिए, गुड़ पिघलना शुरू हो गया है। अब इसको हम चलाते रहेंगे, आंच धीमी रखेंगे। हमें इसकी एक तार की चाशनी बनाकर तैयार करना है। चाशनी में उबाल आ रहा है, चाशनी पक रही है। अब चाशनी को चेक कर लेते हैं। ये देखिए, चाशनी से तार आने लगा है। अब चाशनी बनकर तैयार है। गैस बंद कर देंगे। कढ़ाई को गैस से उतार लेंगे। अब इसमें मुरमुरे डालकर मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छे से मिला लेंगे ताकि लाई और गुड़ अच्छे से आपस में मिक्स हो जाए। लाई और गुड़ आपस में मिल गए हैं। अब इसका हम लड्डू बनाना शुरू करते हैं। हाथ में थोड़ा सा पानी लगाएंगे। और इस तरह से थोड़ा सा लाई उठाएंगे। हल्के हाथ से इसको दबाना है। लड्डू को हम गरम गरम ही बांधेंगे, ठंडा हो जाएगा तो नहीं बंधाएगा। ये देखिए, हमने एक लड्डू बना लिया है। इसी तरह से हम सारे लड्डू बना लेंगे। फिर से हाथ में थोड़ा सा पानी लगाएंगे। हाथ में थोड़ा सा पानी लगा लेंगे तो इससे जो है लड्डू बनाते हुए हाथ में चिपकेंगे नहीं। देखिए, आप लड्डू को अपने अनुसार छोटे बड़े बना सकते हैं। हमने सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लिए हैं। बहुत ही अच्छे लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। आप भी इसे बहुत जल्दी और आसानी से बना सकते हैं। बस चाशनी बनाते हुए थोड़ा ध्यान रखें, चाशनी ज्यादा टाइट ना हो। लड्डू बनाने के लिए हमें बस एक तार की चाशनी बनाकर तैयार करनी होती है। आप इसे जब मन करे तब बनाकर खा सकते हैं और बच्चों को भी खिलाइए, बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें
अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।